वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। गिवन वाई जीरो इक्वल टू जीरो, गिवन वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। ये भी आपका बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, तभी सेपरेट हो पाएगा वरना नहीं होगा। तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी वाई अलग अलग कर लो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू क्यूब एस। आर की वैल्यू आ गई वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो e की पावर टेन इनवर्स वाई, ये हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई एफ, तो e की पावर टेन इनवर्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यह आ गया एक्स इंटू आई एफ, यह आ गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। टेन इनवर्स वाई को टी मान लो, लेट टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यह आ गया एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू ई की पावर टी इंटू टी डी टी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आई एफ की वैल्यू e की पावर टेन इनवर्स वाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर t का e की पावर t वन इंटू e की पावर t dt, तो x इंटू e की पावर टेन इनवर्स वाई t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। x e की पावर टेन इनवर्स वाई e की पावर t कॉमन आ गया t माइनस वन प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो e की पावर टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी,
नाउ व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, जीरो वन जीरो वन प्लस सी, तो सी का वैल्यू प्लस वन आ गया यहाँ से, तो आपका फाइनल आंसर एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक बार तो ये पूरा प्रॉब्लम, मतलब आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया आपका। अब इस पर एक दो मैं मिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि तो टाइम है अभी 10 मिनट का, 10-15 मिनट मिक्स क्वेश्चन करवा देते हैं। लिख लीजिए जल्दी। चलिए अगला लिखो। और वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स। अच्छा कल कल और करवाएंगे इसमें, मैं एक बार वर्ड प्रॉब्लम भी करवा देता हूँ, क्योंकि तो दे तो रखी आपके कोर्स में। हाँ और आ जाए तो फिर कोई वो नहीं, तो कल कल और करेंगे इसको। तो देखो सर, डिग्री वन डिग्री वन डिग्री टू होमोजीनियस कैंसिल, तो आप एक काम करो, एक बार चेक करो ये सेपरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक तरफ ले लो, ए डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, इसमें से वाई कॉमन आ गया ए वाई वन माइनस ए वाई,
ये तो सेपरेबल हो रहा है, देख लो आराम से, एक्स एक्स की तरफ जाएगा, वाई वाई की तरफ जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सेपरेबल फॉर्म। तो ये आ गया डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हमारा सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। लेट वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वन माइनस ए वाई, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। तो वन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ए वाई प्लस बी इंटू वाई, पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारा ए का वैल्यू वन आ गया। पुट वाई इक्वल टू वन बाई ए, तो बी का वैल्यू ए आ गया। सो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई डी वाई, और इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो ही जाएगा, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई प्लस ए लॉग वन माइनस ए वाई अपॉन माइनस ई इक्वल टू लॉग ए प्लस एक्स और प्लस लॉग सी, या लॉग वाई माइनस लॉग वन माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग सी इंटू ए प्लस एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये लॉग ए अपॉन बी। तो आपका फाइनल आंसर वाई अपॉन वन माइनस ए वाई इक्वल टू सी ए प्लस एक्स, ये इसका आंसर। वाई अपॉन वन माइनस ए वाई इक्वल टू सी इंटू ए प्लस एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सोल्व डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब आपको ई की पावर एक्स माइनस वाई को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, तो ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखने सेपरेट हो रहा है, तो डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये आ गया ई की पावर वाई डी वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई की पावर वाई का वाई की पावर वाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी।
अब बाकी कल हम इस पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और कुछ क्वेश्चन मिक्स करेंगे, तो कल ये आपको कंप्लीट कर देंगे। अभी अपने पास टाइम है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कल कल और कर लेते हैं, बाकी 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे।